राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। सभी दल पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम है। 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को अपनी सीट बचानी है। वहीं भजनलाल शर्मा के लिए लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी परीक्षा है। दौसा में भाजपा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के भाई को टिकट दिया। किरोड़ी अपने भाई को जितवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर उनका प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उनका एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों गुजर समुदाय के स्नेह मिलन में कहा कि गुजर समाज से अपील है कि मेरे भाई को टिकट मिला है, नानी का दंड नवासा को मत देना। मैं बैंसला की तरह तो मेरा भाई सचिन पायलट की तरह सौम्या सरल है। मैं गुजर समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में साथ दूंगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला राजस्थान में गुजर आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में साल 2007 में गुजर आरक्षण आंदोलन हुआ था। दौसा सीट पर गुजरों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि किरोड़ी का कांग्रेस का काफी प्रभाव रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई, तब भी दौसा में कांग्रेस मजबूत रही। दौसा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट सांसद रहे हैं।